हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण त हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे No, 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 जगन्नाथपुरी में कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे उत्सव हैं तेरह के यात्राएं निकाली जाती है स्नान यात्रा स्नान यात्रा के बाद भगवान को हाथी भेस भेज बनाया जाता है हाथी का सु लगाया जाता है है ना? उसके बाद अनवसर सर जो है वो फिर स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं है ना जानते हैं आप लोग नहीं भगवान की बीमारी बुखार हाँ चौदह दिन के लिए क्वारंटाइन में चले जाते हैं है? फिर उसके बाद जगन्नाथ जी जब बीमार हो जाते हैं फिर जब उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाता है तो फिर उनको उनका नौकल नव यौवन उत्सव मनाया जाता है जब उनको फिर से उनको दाढ़ी उड़ी बनाया जाता है उनका नहीं बीमारी में बढ़ जाता है दाढ़ी ये सब फिर से उनकी पेंटिंग होती है जगन्नाथ जी की हर साल बोलते तो हैं नवजौन उत्सव फिर अब दर्शन खुलता है चौदह दिन के बाद तो भगवान बिल्कुल आराम से फ्रेश होके निकलेंगे अभी फिर रथ यात्रा चौथा उत्सव होता है फिर झूलन यात्रा है ना झूलन यात्रा जो है सावन के महीने में झूला झूलने की यात्रा फिर बलराम जन्म उत्सव मनाया जाता है फिर राहु रेखा लगाना फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है फिर पार्श्व परिवर्तन उत्सव है फिर उत्थापन उत्सव एकादशी के दिन हरि उत्थान एकादशी के दिन फिर दशहरा उत्सव फिर ओणव ठस थस, ओदन ठष्ठी है नन षष्ठी है ना फिर पुष्य अभिषेक ना फिर डोल यात्रा फागुन के महीने में पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन जिस दिन होली होता है उस दिन यहाँ पर फिर डोल यात्रा मनाई जाती है नी? फिर उसके बाद रामनवमी दमन भंजिका अक्षय तृतीया चंदन यात्रा रुक्मिणी हरण और एकादशी ना कुल बीस प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं पूरे साल में तो भक्ति में देखिए कितना फेस्टिवल ही फेस्टिवल है है कि नहीं एक उत्सव खत्म हुआ कि नहीं कि दूसरा आ जाता है और हर दिन कुछ न कुछ उत्सव फेस्टिवल आनंद ही आनंद रहता है है ना तो इन सारी या, जो यात्राएं होती हैं उसमें एक यात्रा है रथ यात्रा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे है ना विस्तार से है ना तो अभी जो सेशन है वो अभी जो प्रवचन होगा वो किसके ऊपर होगा रथ यात्रा के ऊपर भगवान जगन्नाथ की सभी यात्राओं में सबसे प्रमुख एवं सर्वप्रधान रथ यात्रा उत्सव है जो तो संपूर्ण विश्व में सर्व अधिक लोकप्रिय है पूरे विश्व में इससे बढ़कर कोई यात्रा या उत्सव नहीं है जिसमें भाग लेने भगवान का रथ पर दर्शन करने के लिए संसार के कोने कोने से लाखों लोग जगन्नाथपुरी धाम में आते हैं इस उत्सव की राह पूरे वर्ष हर कोई देखता रहता है और यह सभी के जीवन में उल्लासमय वातावरण लेकर आता है इस अति प्राचीन उत्सव की शुरुआत महाराज इंद्रदुम ने स्वयं भगवान के आदेश के अनुसार किया था रथ यात्रा की शुरुआत जो है किसने किया था महाराज इंद्रदम ने किया स्वयं जगन्नाथ जी ने उनको आदेश दिया था कि मेरी रथ यात्रा जगन्नाथ जी आदेश कैसे देते हैं बताइए कई तरीके सपने में आते हैं कभी कभी आकाशवाणी होती है कभी इस यात्रा को नौ यात्रा भी बोलते हैं गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं महाबेदी यात्रा भी बोलते हैं होश यात्रा भी बोलते हैं पतित पावन यात्रा बोलते हैं दक्षिण अभिमुखी यात्रा बोलते हैं अड़ाप यात्रा बोलते हैं नंदी घोष यात्रा बोलते हैं दशावतार यात्रा के रूप में भी जाना जाता है ये सारे नाम हैं लेकिन जो प्रमुख नाम है रथ यात्रा एक पंजिका है मादला पंजिका क्या मादला उस पंजिका के अनुसार प्राचीन समय में श्री मंदिर एवं गुंडीचा मंदिर के बीच मालिनी नदी का अस्तित्व था एक नदी थी जिसका नाम था मालिनी जैसे श्री मंदिर जो है जो अभी जहां जगन्नाथ जी हैं उसको क्या बोलते हैं श्री मंदिर जहां से रोड शुरू होता है ये जो सामने वाला रोड और ये रोड जो है सीधे जाएगा कहाँ तक जाएगा गुंडीचा मंदिर तक जाएगा वहां पे जाके समाप्त हो जाता है और रथ यात्रा जो है यहां से वहां तक होती है यहां से रथ में बैठ के भगवान और गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे गुंडीचा कौन थी हम्म राजा इंद्रदम जी की पत्नी सत्ययुग में जो राजा हुए इंद्रदम्न जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट कराया उनकी पत्नी रानी रानी थी गुंडीचा जगन्नाथ जी उनको अपनी मौसी बोलते हैं तो बता रहे कि रथ यात्रा यहाँ से श्री मंदिर से कहां तक जाती है गुंडीचा मंदिर तक जाती है और वहां पर जाकर एक दिन जाने में लगता है एक दिन आने में और सात दिन जगन्नाथ जी वहां पे रुकते हैं दिन तो कुल रथ यात्रा कितना हो गया नौ दिन का हो गया तो अभी तो रोड बना हुआ है लेकिन पहले के समय में बीच में एक नदी बहता था यहाँ पर जिसका नाम था मालिनी नदी इसलिए अभी तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए तीन रथ बनाए जाते लेकिन उस समय छह रथ बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ से तीन रथ पे बैठ कर और मालिनी नदी जा, जाते थे फिर वहां से फिर रथ उतर के नाव से पार करते थे और फिर उधर जाके फिर तीन रथ पे बैठ के वहां से आगे जाते थे समझा है तो ये जो है द्वारका या मथुरा को सूचित करता है श्री मंदिर और जो कुंडीछा मंदिर है वो वृंदावन अब हाँ अब बीच में जो नदी मालिनी नदी बहती है उसको जमुना नदी मानते थे भगवान जमुना को पार करके वृंदावन जा रहे हैं तो उड़ीसा के राजा की जो थे वीर नरसिंह देव जो 1250 के लगभग में राजा थे यहाँ तो उस राजा वीर नरसिंह देव ने इस नदी को रेत आदि से भरवा दिया और फिर गुंडीचा मंदिर तक जाने वाला मार्ग बना दिया तब से तीन रथों का प्रचलन शुरू हुआ उसे पहले तक छह रथ छे बारह सौ ईस्वी में यहाँ के राजा हुए जिनका नाम था वीर नरसिंह देव नाम भी बढ़िया है वीर नरसिंह तो उन्होंने नदी को भर दिया रेत से और उसपे रोड बना दिया हाँ हाँ अच्छा वीर नरसिंह हाँ बहुत अच्छा रोजी के दोनों बेटे ब्रह्मचारी हैं है कितना सौभाग्य है इनका ऐसे हाँ ऐसा बहुत कम होता है इतनी अधिक कृपा रथ यात्रा कितनी प्राचीन है इसको जानना एक प्रकार से असंभव है रथयात्रा नाम सुनने से केवल जगन्नाथ के इस यात्रा का स्मरण तो उठता है मानो यह उत्सव जगन्नाथ से अभिन्न है वेदों में इसके तृतीय परिच्छेद को शिला प्रभु भगवत गीता के तात्पर्य करते हैं तो स्कंद पुराण में रथयात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कौन से पुराण में स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ को रथ पर आरूढ़ कराकर आरूढ़ मतलब चढ़ाकर महावेदी की ओर जाते हुए देखता है रथ पर बैठकर और जगन्नाथ जी को यहाँ से गुंडिचा मंदिर महावेदी महावेदी तक जाते हुए जो भी रथ पे देखता है उसके लाखों जन्मों के पाप तू तत्ण नष्ट हो जाते हैं रथ पे जब जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं और जब जाने लगते हैं चलते हैं रास्ते में तो देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं सारे भगवान जगन्नाथ जीवों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि रथे तुम बामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते जो भी उनके दर्शन करता है रथ पर उस व्यक्ति का निश्चित रूप से उद्धार करते हैं परंतु जब वे अपने श्री मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं तब तो वे और अधिक दयालु हो जाते हैं उनका करुणा का भाव बाहर आकर बढ़ने लगता है कि विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने रथ पर विराजमान होते है। हैं चैतन्य तो चरित में लिखा गया कि समती भक्त सुख दीते, रथे चढ़ी बहि बिहार करी थे जगन्नाथ जी महालक्ष्मी की अनुमति लेते हैं पहले परमिशन से बाहर जाने से पहले जगन्नाथ जी को भी हालांकि भगवान है लेकिन परमिशन लेना पड़ता है घर से बाहर जाने के लिए किस से महालक्ष्मी से है ना बिना परमिशन के बाहर चले जाएंगे तो फिर अंदर एंट्री नहीं मिलेगी अंदर से दरवाजा बंद हो जाएगा एक बार ऐसा हुआ था बिना परमिशन के गए थे फिर दरवाजा बंद हो गया था कि तो बाहर ही रहो तो बहुत मुश्किल हुआ जगन्नाथ जी को कई दिनों तक तो खाना पीने के बिना रहना पड़ा ये भी लीला है कभी बताएंगे आप तो महालक्ष्मी की अनुमति लेकर और फिर इसलिए बताते हैं कि पंद्रह दिन तक महालक्ष्मी के साथ सा, सा, टाइम बिताते हैं भगवान उस समय दर्शन वर्शन सब बंद और लक, महालक्ष्मी जी को खुश करते हैं पहले क्योंकि पंद्रह दिन के बाद परमिशन मांगेंगे आसानी से मिल जाएगा है ना इस प्रकार से भगवान अपने कई भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु तो रथ पर सवार हो जाते हैं स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि विग्रहों की स्थापना के बाद राजा ने भगवान से निवेदन करते हुए तीन वरदान मांगे थे जब जगन्नाथ जी की स्थापना कराई राजा इंद्रदम में तो भगवान जगन्नाथ से उन्होंने तीन वरदान मांगा था कितना पहला वरदान मांगा था कि मुझे कोई संतान ना हो क्या मुझे आप वरदान दीजिए वरदान है कि क्या है मेरा कोई संतान नहीं हो ऐसे वरदान मांगा और दूसरा कि आप पूरे दिन खाते रहे कभी आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए <laughs> और तीसरा वरदान भगवान आप केवल तीन घंटे विश्राम करेंगे रेस्ट करेंगे कितना तीन घंटे केवल रेस्ट करेंगे बाकी पूरे दिन आपको बिजी रहना है दर्शन देना है आपको और जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करना है है? तो, तो ही काम है आपका एक खाना है और एक दर्शन देना है तो खाइए और दर्शन देते रहिए तीन वरदान याद रहेगा आप लोगों को किसको याद हो गया तीनों वरदान ओके आप बताइए चलिए आप ही से पूछा खाते रहेंगे तीन घंटे सोना है हैं? अब बाकी समय केवल दर्शन देते रहना है, है? भगवान यह सुनकर मुस्कुराए और कहा कि तथास्तु ठीक है ऐसा ही होगा तो राजा अत्यधिक आनंदित थे परंतु रानी गुंडीछा देवी दुखी हो गई रानी जो है दुखी हो गई क्यों कोई संतान ही नहीं होगा राजा तो मांग लिए कोई संतान ना हो क्योंकि स्त्रियों की आंतरिक इच्छा पुत्र प्राप्ति की होती है भगवान गुंडीचा के हृदय को समझ गए और उन्हें सुख देने हेतु भगवान ने कहा हे गुंडीचा देवी आज से हम आपके पास आकर सात दिन तक निवास करेंगे और हम ही आपके पुत्र बन जाएंगे है ना इसलिए भगवान अपनी मौसी को आनंद देने के लिए आते हैं सात दिन तो गुंडीछा रानी को बोलते हैं मौसी भगवान तुम मेरी मौसी हो और तुमको तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लेना और सात दिन के लिए मैं आऊंगा साल में एक बार और तो इसको याद रखना चाहिए जब रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी क्यों जाते हैं यह करुणा का उत्सव है क्योंकि श्री मंदिर में कई लोगों का प्रवेश वर्जित है करुणा का भी उत्सव है कई लोग ऐसे हैं जो आप लोग तो भाग्यशाली हैं क्योंकि आपका जन्म हुआ हिंदू धर्म में और भारतवर्ष में तो आसानी से कभी भी दर्शन आप, आप कर सकते हैं लेकिन कई लोग हैं उनको घुसने ही नहीं देते हैं गेट पे रोक दिया जाता है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है जो हिंदू नहीं है और जो भारत का नहीं है विदेशी है उनको एंट्री बैन है जगन्नाथ जी ने मना कर रखा है ये केवल हिंदू अलाउड है इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली है, है कि नहीं है कि नहीं इसलिए हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए गर्व से कहो और ये गर्व का एहसास तभी होता है जब आप जगन्नाथपुरी आते हैं जगन्नाथ जी एहसास कर देव तुम कितने भाग्यशाली हो तुम लोग हिंदू हो बाकी लोगों को तो मैं घुसने नहीं देता मंदिर में है कि नहीं तो विदेशी लोगों को दर्शन नहीं देते हैं जगन्नाथ जी और जो हिंदू नहीं है तो विदेशी लोग, तो लोग जो हिंदू नहीं है वो काफी कई भक्त होते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं इसको उनके के कई भक्त विदेशी हैं और कई बार तो हमको भी रोक देता है मेरे को कई बार रोक चुका है इसलिए मैं एडवांस में आधार कार्ड लेके जाता हूँ हाँ क्योंकि मुझे देखता है तो उसको लगता है कि विदेशी है क्योंकि हमारा चेहरा ऐसा थोड़ा गोरा है ना एकदम तो देखते तो दूर से ही है इधर आइए इधर आइए आप इधर आ जाइए ऐसे बोलेगा पिछली बार भी रोक दिया था हाँ तो मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूं तो बोलता ठीक है ठीक है आप जाओ और विदेशी भक्त को रोक देता है नहीं जाने देता है। कितना भी आप रोगी गिड़गिड़ाइए नहीं जाने देगा इसी कारणव भगवान जो है ऐसे भक्त लोग बहुत ललायित रहते हैं कि कब जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं सात दिन के लिए तो गुंडीचा मंदिर में तो कोई जा सकता है यहाँ नहीं इसलिए जब रथ पे आते हैं भगवान तो उस समय ऐसे सारे भक्त लोग आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के जगन्नाथ जी भी क्या करते हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करके उनको कृपा देते हैं रथ यात्रा में भगवान जब बाहर आते हैं तब उनके दिव्य देह से स्पर्श की हुई हवा उनका कारुण्य से युक्त दृष्टिपात तथा रथ चलते हुए उड़ती हुई धूल ये तीन सभी व्यक्तियों के को अंदर और बाहर से शुद्ध बनाते हैं तीन चीज हवा दृष्टिपात और धूल ये तीन चीज जिस जिस पर पड़ेगी वो अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध जताएगा और उसके पूर्व जन्मों के पापों के परिणाम नष्ट हो जाते हैं है ना तो यहाँ पर प्रमुख बात यह है पूरी रथ यात्रा का ये है कि बाहर जहां भी रथ यात्रा होता है तो मूल विग्रह नहीं आते बाहर उत्सव विग्रह बाहर आते हैं चाहे साउथ इंडिया में जितने मंदिरों में रथयात्रा होती है तो उत्सव विग्रह बाहर निकलते हैं लेकिन यहाँ पर उत्सव विग्रह नहीं मूल विग्रह ही खुद ही आएंगे भगवान क्योंकि तो इतने भारी है जगन्नाथ जी ना बहुत भारी है फिर भी बोलते नहीं हम चलेंगे ले चलो तो इस प्रकार रथ यात्रा जो है वो यहाँ पर मनाई जाती है तो रथ की जो विशेषता क्या है तीन रथ होते हैं एक जगन्नाथ जी का एक सुभद्रा का और एक तो सबसे आगे कौन रथ होता है बलदेव जी का सबसे आगे बड़ा भाई बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी और हर रथ के ऊपर एक देवता होते हैं पार्श्व देवता एक राम जगन्नाथ जी के रथ के पार्शु देवता राम कृष्ण सुभद्रा के सुदर्शन और बलदेव के मदन मोहन पार्श्व देवता जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है बताइए नंदी घोष वेरी गुड और सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन क्या देवदलन और बलदेव जी के रथ का नाम तालध्वज ताल वन से है इसलिए ताल ध्वज पहिए कितने होते हैं जगन्नाथ जी के रथ में सोलह पहिया सुभद्रा जी के रथ में बारह पहिया और बलराम जी के रथ में चौदह पहिया रथ के शिखर पर जगन्नाथ जी के रथ के शिखर पर सुदर्शन चक्र होता है और गरुड़ होते हैं सुभद्रा जी के शिखर रथ के शिखर पर कमल का चिन्ह होता है और बलदेव जी के रथ पर लांगल ध्वज होता है तेईस हाथ की ऊंचाई है जगन्नाथ जी के रथ की इक्कीस हाथ की सुभद्रा की और बाईस हाथ की बलदेव की की परिधि पांच हाथ जगन्नाथ का चार चार हाथ सुभद्रा और बलदेव का है सारथी का नाम दारूक है या मातली जगन्नाथ जी के रथ का सारथी दारूक सुभद्रा का देवदत्त और बलदेव का सुदुम्न सारथी जो चलाता है ड्राइवर हम्म रथ के रक्षक नरसिंह देव हैं जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक सुभद्रा जी के रथ के रक्षक हैं बन दुर्गा माता जी और बलदेव जी के रथ के रक्षक हैं अनंत देव घोडों के नाम जगन्नाथ जी के जो रथ है उसके चार घोड़े हैं जिनका नाम है सूक्षमा रेचिका मोचिका अमृता ये चार घोड़े जो सुभद्रा उनके भी चार घोड़े हैं जिनका नाम है अधर्म अज्ञान अपराजिता और ज्योतिनी बलदेव के चार घोड़ों का नाम है स्थिरा सिद्धा धृति और स्थिति घोड़े का रंग जगन्नाथ जी के घोड़े का रंग कैसा है सफेद सुभद्रा के घोड़े का रंग पीला और बलराम जी के घोड़े का रंग काला तो ये आप मैंने डिटेल बताया है। <laughs> तो जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए जगन्नाथपुरी में चौदह पंद्रह सौ दस ईस्वी में कब मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कब होता है जनवरी में चौदह जनवरी के लगभग तो चौदह जनवरी को चैतन्य महाप्रभु ने पंद्रह सो दस ईस्वी में सन्यास लिया उस समय उनकी मृत थी चौबीस साल और सन्यास लेकर आए जगन्नाथपुरी हुँ? तो उस समय यहाँ पर जब आए महाप्रभु कल में बताया कि वहां पर फिर निवास किए और फिर साउथ इंडिया की यात्रा पे चले गए और दो साल तक साउथ इंडिया यात्रा किए फिर वापस आए तो यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है था। हर साल श्री चैतन्य के आने से पहले यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा चलता रहता था हर साल होता था लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद रथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया चैतन्य महाप्रभु ने रथयात्रा को और विशेष बना दिया पहले रथ यात्रा में संकीर्तन नहीं होता था पहले रथ यात्रा में क्या बजे थे बैंड बाजा वाले बजाते थे है ना बैंड बाजा नहीं आता विवाह शादी में वो सब तो तुड़िया ये सब लेके नहीं बजाते ऐसे और ढोल नगाड़े और हाथी घोड़ा ये सब वो सब रहता था संकीर्तन नहीं होता था ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर संकीर्तन करना शुरू किया रथयात्रा में तो जब आए, तो जब चैतन्य आए उन्होंने कैसे रथयात्रा किया उसका वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा चैतन्य चरिता से से कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे जेनाशित जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य करते करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो तो एक भगवान रथ पर बैठे हुए हैं, हैं एक भगवान रथ पे बैठे हैं और दूसरे भगवान या वही भगवान दूसरे रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में रथ के सामने नाच रहे हैं ऐसा क्यों वो नाचेंगे तभी तो लोग नाचेंगे खुद नाचे तो दिखाएगी ऐसे नाचो तुम लोग क्या पे 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 टुड़िया बजाता रहता, रहता है खुशी से नाचो जनरली आप देखोगे इस्कॉन मंदिर में ही लोग नाचते हैं भगवान के सामने है कि नहीं वैसे तो लोग नाचते हैं डांसिंग क्लब में जाकर नाचेंगे नाइट क्लब में जाकर नाचेंगे शादी विवाह में नाचेंगे नाचते हैं ना किसके सामने नाचते हैं डीजे के सामने है कि नहीं? भगवान के सामने नहीं नाचते कोई खुशी नहीं है है कि नहीं एक बोरिंग जगह है यह है कि नहीं चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान ने अब सिखाया गया तुम तो मेरे सामने आते हो तो खड़े मत रहो क्या करो नाचो खुशी से नाच अमर मो नाच अमर मोन दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रेमरम है नाचिए से क्यों नाचना है क्यों नाचना है भगवान के समझ आ खुशी से देख के खुशी नहीं हुई तेरे को मेरे को तो मुल, मुल लटका क्यों खड़ा है ऐसे भगवान को लगता ही है सब आया मेरा दर्शन कर मुझे देखने के बाद नाचना चाहिए खुशी से है कि नहीं? नहीं।, नहीं तो चैतन्य महा स्वयं भगवान दिखाए ऐसे दर्शन करो मेरा ऐसे देखो देखो इधर देखो सब लोग आए ऐसे खूब नाचे महाप्रभु स्वयं भगवान अपनी आचारी प्रभु जी सिखाए अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए उसको स्वयं आकर करके सिखा रहे हैं है ना <coughs> उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था जब नाचते थे चेतन ऐसा नृत्य ऐसा होना चाहिए कि देखकर सारा ब्रह्मांड चकित था केवल सारा ब्रह्मांड ही चकित नहीं था सारा जगत ही चकत चकित नहीं था बल्कि जगन्नाथ भी चकित थे <laughs> जगन्नाथ भी चकित थे विस्मित थे देख रहे थे कि कैसे नाच रहा हूं मैं <laughs> मैं ऐसे कैसे नाच रहा हूं अपने आप को ही देखकर इस बात को समझकर विस्मित थे चकित थे जगन्नाथ जी है? कोई व्यक्ति अपने को ही देख कर नाचेगा नहीं नाचेगा कि नहीं? अच्छा नहीं लगेगा खुद को देख नाचना खुद के सामने नाचना हुँ? इसलिए नाचने का मन ही नहीं करेगा लेकिन इसलिए भगवान को जब नाचने का मन किया तो उन्होंने राधा रानी के भाव को स्वीकार किया राधा रानी के भाव में नाच रहे थे हैं कौन कृष्ण लेकिन क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं राधा हैं कौन लेकिन सोच क्या रहे हैं मैं हूं राधा हैं भूल गए कि मैं कृष्ण हूं क्या सोच रहे हैं? मैं राधा हूं कैसे ऐसे कैसे कोई सोच सकता है सुंदरता है भगवान की हुँ? कि जब राधा रानी के भाव को ध्यान करते हैं अंगीकार करते हैं राधा रानी के भाव को हम्म जानना चाहते हैं है ना कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसलिए हुआ स्वयं कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए इसके बारे में बताते हैं चैतन्य मंगल ग्रंथ में मेरा प्रवचन भी है चैतन्य मंगल में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो द्वारका में अपनी रानी रुक्मिणी के घर में आते हैं यह सोच करके रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न होंगी नाचेंगी खुशी से मुझे देखकर रुक्मणी जी आते हैं भगवान तो उनके चरण पखड़ती हैं उनकी आरती उतारती हैं, उनको आसन पर बिठाती हैं, है ना ये विधिक संस्कृति था पहले है ना तो भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर उठा लेती हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमल ऐसे पकड़ कर नीचे बैठ जाती हैं, कृष्ण के चरण कमल को पकड़कर अपने हृदय पर धारण करती हैं। और रोने लगती हैं उसको देखते हुए चरण कमलो को और खूब रो रही है खूब रो रही है कौन कौन रो रही है रुकणी तो कृष्ण उनको रोते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं आया तुम्हारे महल में ये सोचेगी तुम खुश होगी मुझे देखकर तुम रो रही हो मैं तो कंफ्यूज हो गया क्या मैंने ऐसा क्या गलती किया फिर भगवान बोलते हैं मुझे क्षमा कर दो लगता है तुम अभी तक उस बात को सीरियस लेके बैठी हो जब मैंने गलती से बोल दिया था कि शिशुपाल से विवाह कर लो तुम बहुत पहले भगवान बोले थे रुक्मिणी को कहा तुम ग्वाले से विवाह करके फंस गई तुम इतनी सुंदर थी तुम्हारे पीछे इतने राजा लोग पागल थे है ना तुम ग्वाले से विवाह कर ली तुम किसी से विवाह कर लेती तो कितना शिशुपाल लाइन में लगा हुआ था तो इतना भगवान ने इतना बोला ही था कि सुनते ही रुक्मिणी बेहोश हो गई है ना इस सुनते ही बेहोश कृष्ण ऐसा कैसे बोल दिया बाद में कृष्ण ने बहुत मनाया उनको तो कृष्ण अभी स्पेकुलेशन करते हैं ना व्यक्ति कोई सामने वाला रोने लगे तो कई स्पेकुलेशन करेगा तो भगवान स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद तुम भूल गई अभी तक भूली नहीं हो मैंने तो हंसी मजाक में ऐसे बोल दिया था तुमने इतना सीरियस ले ली थी मैंने तो तुमको बहुत समझाया था कि वो गलती से हंसी मजाक में बोला था मैंने अभी तक तुम उसी को सीरियस लेकर रो रही हो तो रुक्मिणी ने कहा कि नहीं प्रभु मैं उसके लिए नहीं रो रही हूं तो फिर क्यों रो रही हो तो आप बोले कि आप नहीं समझ पाओगे मैं क्यों रो रही हूं ये आप नहीं समझ पाओगे तो भगवान बोले कि सारे संसार को गीता का ज्ञान मैं देता हूं सारी दुनिया मुझसे समझती है मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं अब मैं ही नहीं समझ पाऊंगा कोई ऐसी भी चीज है जो मैं नहीं समझ सकता है बोले हाँ कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ पाओगे चाहे कितना भी कुछ पापड़ा बेल लीजिए आप नहीं समझ पाएंगे बोले क्या है ऐसा जो मैं नहीं समझ पाऊंगा और ऐसा क्या है जो तुम इस तरह से रो रही हो बोले आपके चरणों में आपके चरणों की सेवा करने में कितना सुख है वो आप नहीं समझ सकते क्यों क्योंकि आप खुद अपने चरणों की सेवा कर नहीं सकते आपके चरणों का दर्शन करने में कितना सुख है ये ये सुख आपको कभी मिल ही नहीं सकता बाकी सब मिलेगा आपको लेकिन आपको अपने चरणों की सेवा करने का सुख नहीं मिलेगा आपके चरणों का, का जो अमृत है उसका पान करने का सुख आपको नहीं मिल सकता वो सुख इतना आनंद देता है इतना आनंद देता है कि उस आनंद के कारण मैं रो रही हूं लेकिन दुख की बात यह है कि आपको यह आनंद नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि आप भगवान हो अब भगवान भक्ति नहीं करते भक्ति कौन करता है भक्त करता है इसलिए भक्ति का जो आनंद है वो भगवान को नहीं मिल सकता समझ में ये आनंद तो केवल राधा रानी को मिलता है अगर आप इस आनंद को जानना चाहते हैं तो आपको राधा से पूछना पड़ेगा वही बताएगी आप और जब भगवान को ऐसा अच्छा मतलब कुछ उनके मन में लोभ आ गया क्या गया लोभ जैसे नहीं कोई व्यक्ति खुशी से बड़ा नहीं क्या बताऊं मतलब इत, इतना बढ़िया आइटम बना था आज खाने में प्रसाद में थोड़ा वर्णन करेगा तो मन में क्या आएगा थोड़ा हमको भी चखने का मन कर रहा है ना तो जिस प्रकार से रुक्णी ने वर्णन किया कि राधा को कितना आनंद आता है आपके चरणों की सेवा करने में आपकी भक्ति करने में चरण कमल बंदो हरी राय जाके कृपा पंगु गिरी लंघे अंधो को दियो दर्शाई आपके चरण कमलों की महिमा तो भगवान को लगा थोड़ा मेरे को भी भक्ति करना चाहिए देखना चाहिए इसमें क्या आनंद है तुरंत भगवान जो है वो कृष्ण जो है तुरंत गौरांग रूप धारण कर लिए तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये क्या है बोले यही तो है अभी आने वाले युग में मैं भक्ति करूंगा इसी रूप में उतार लूंगा कौरांगा बोले मैं मैंने निर्णय लिया है क्या निर्णय लिया है यही कि अब मैं राधा का रंग चुरा लिया मैंने राधा की दो चीजें मैंने चुरा ली एक राधा का भाव मूड उनका और दूसरा राधा का रंग दो चीज चुरा लिया तो भाव और रंग दोनों मिल जाता है न? तो क्या बन जाते हैं कृष्ण प्लस राधा भाव प्लस राधा रंग तीन हो गया कृष्ण प्लस राधा भाव प्लस राधा रंग इक्वल टू गौरा <laughs> गौरांग बन गए और बोले आऊंगा कलयुग में इस बार इसी रूप में आऊंगा और अपनी ही भक्ति करूंगा कृष्ण राधा के भाव में आएंगे और क्या करेंगे राधा की भक्ति कर कृष्ण भक्ति करेंगे भक्ति करके वो आनंद लेंगे जो राधा को मिलता है कृष्ण की भक्ति करने में है ना समझ में आए कि राधा मुझसे कितना प्रेम करती है ये पहला क्वेश्चन था ये जानना चाहता हूं राधा के प्रेम की गहराई को जानना चाहता हूं मैं हम्म बहुत जरूरी है जब तक किसी के वैल्यू को नहीं जानेंगे तो उसको वैल्यू देंगे नहीं देंगे कोई को, को व्यक्ति आपको कितना प्रेम करता आपको पता ही नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं दे पाएंगे उसको ठीक है नहीं तो खुद भी जानूंगा और सारे संसार को भी जनाऊंगा क्या राधार महिमा <coughs> राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जा तो के यदि गौर ना हो तो तब की हो तो हे राधा रानी की महिमा को प्रेम की महिमा को जानने के लिए पहला प्रश्न कि राधा मुझसे कितना प्रेम करती है पहला प्रश्न दूसरा क्यों इतना प्रेम करती है मुझसे मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं मुझ में ऐसा क्या है कि जिसे देख कर राधा इतनी पागल हो जाती है कृष्ण जो है देख जानना चाहते हैं कि मेरे में ऐसा क्या है कौन सा ऐसा मेरे अंदर गुण है मेरे रूप में ऐसी क्या मिठास है क्या सुंदरता है कि राधा पागल हो जाती है ये देखने के दूसरा प्रश्न कि क्यों इतना प्रेम करती है ऐसा क्या है मुझ में है? तो दो प्रश्न हो गया और तीसरा तीसरा क्या है प्रश्न बताइए मुझसे प्रेम करने में राधा को कितना मजा आता है तीसरा प्रश्न कि इस दौरान इतना आनंद आता है उसको मेरी सेवा करने मेरी भक्ति करने में उस आनंद का भी मैं गहराई जानना चाहता हूं ये तीन प्रश्न समझ में इन तीन प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण को नहीं समझ में आया इसलिए उनको गौरांग बनना पड़ा हम्म समझ में याद रहेगा किसको याद है तीन प्रश्न पहला प्रश्न क्या है बताइए कौन बताएंगे आप बताइए मत बताएंगे हाँ कृष्ण में ऐसा क्या है अपने अपने डिस्कवरी ऑफ सेल्फ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हम लोग तो सेमिनार अटेंड करते ही हैं भगवान बोले हम भी अब अटेंड करेंगे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कि मुझ में ऐसा क्या है जो तो राधा को इतना पागल हो जाती है जिसे देखकर और, और दूसरा प्रश्न कौन बताएंगे हुँ? हाँ राजा मुझसे कितना प्रेम करती है है ना ओके यस और कोई बताना चाहेंगे मुझ में ऐसा क्या है और कितना आनंद आता है है तीसरा क्वेश्चन क्या मुझसे कितना प्रेम करती है पहला दूसरा क्यों इतना प्रेम करती है मुझमें ऐसा क्या पहला प्रश्न है कि कितना प्रेम करती है प्रेम की गहराई दूसरा क्यों इतना प्रेम करती है और तीसरा उसमें कितना आनंद आता है उनको हुँ? बाद में भगवान निष्कर्ष निकालेंगे बेकार का मैं भगवान हो गया क्या फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या देंगे कि बेकार का मैं भगवान हो गया मेरे को भक्त होना चाहिए था <laughs> क्योंकि मुझे अगर पता होता कि भक्ति में इतना आनंद है तो मैं भक्त ही बनता है? तो भक्त लोग भगवान बनना चाहते हैं भगवान भक्त बनना चाहते हैं, है ना तो भगवान आचरण से तुमको भक्त बनाया जीव बनाया कोई -कोई कम पोजीशन नहीं है तुम बहुत आनंद ले सकते हो अगर तुम भक्ति की कला सीख लो तो जिसको लेने के लिए मैं भगवान होके भी भक्त बनता हूँ उस आनंद को लेने के लिए तुमको मैंने भगवान बनने से ज्यादा आनंद दिया है भक्ति हम्म में आ रहा है क्या समझ में आ? कौन बताएंगे थोड़ा कठिन टॉपिक है, है? संसार में जीव क्या बना ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ ब्रह्म बनने का बहुत शौक रहता है लोग लगता है कि ब्रह्म बन जाऊंगा भगवान बनना है नारायण आया नमो नारायण आप भी नारायण हम भी नारायण उनको लगता है नारायण बनने में आनंद है नारायण यहाँ भाग रहे भक्त बनने के लिए <laughs> क्योंकि मूर्खों को पता नहीं है कि भक्ति में आना है। इसमें भक्त बनने में तो ये तीन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान भक्त बन गए और नाच अपनी भक्ति करेंगे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय श्रोता गण सुन करिए कमन रथ यात्रा नृत्य प्रभु मोहन श्री चैतन्य चरितमृत के श्रोताओं की जय हो खुश हो गए आप लोग आप लोगों की जय जयकार की गई है अब कृपा कीजिए और ध्यान से कथा सुनिए रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन सुनिए कैसे नाचते थे महाप्रभु रथयात्रा अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए अंधेरे में ही जग गए सुबह और ध्यान पूर्वक कालीन स्नान किया अपने सारे संगियों के समेत पांडु विजय उत्सव देखने के लिए मंदिर जगन्नाथ मंदिर गए ये उत्सव जो होता है पांडु विजय इसको पांडु विजय का मतलब है कि भगवान जगन्नाथ जब अपने सिंहासन से उठकर और रथ पे जाके बैठते हैं इसके बीच का जो यात्रा होता है जर्नी उसको भी उत्सव का नाम दिया गया उसको क्या कहते हैं पांडु विजय समझ में आया हम्म तो पांडु विजय देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए कहाँ पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर हुँ? कई बार हमारा रथ यात्रा होता है तो भक्त उसको फोन करके पूछ लेते हैं भगवान रथ पे चढ़ गए हैं क्या है अच्छा अभी नहीं चढ़े हैं अभी रथ यात्रा तो ठीक है तब शुरू हो जाएगी तब बता देना फोन करके तब हम आ जाएंगे ऐसे थोड़े होता है देखो महाप्रभु देखना चाहते वो भी उत्सव है कि कैसे भगवान रथ पे जाते हैं अपने सिंहासन से उतर के जा रहे हैं ये भी अपने आप में एक क्या है सेल्फ आनंद है उस आनंद को लेना चाहिए अद्वैत आदि संगे भक्त गाना सुखे महा प्रभु देखे गमन श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु ये सारे भक्त लोग ये देखकर बड़े सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं बलशाली दैता बड़े, बड़े बड़े आप देखो पंडित जो होते हैं बहुत मोटे एकदम उनका होता है उठा के ऐसे जगन्नाथ जी को ले ना मत हाथी के समान शक्तिशाली थे दैता दैता कहते जगन्नाथ जी के जो सेवक होते हैं जो रथ बहुत मोटे मोटे होते हैं वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन तक से रथ तक ले गए ना उठा उठा के हाथों से बहुत भारी है जगन्नाथ जी और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दविताओं ने उनके कंधे पकड़े कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए ले जाना है जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया रेशम की रस्सी बांध के कमर में ऐसे खींचते हैं ऐसे सिंहासन से लेकर रात तक धोनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए रास्ते में गद्दे फिसलाएंगे उसी पर रुई के गद्दे ऐसे एक गद्दा फिर उसके आगे दूसरा उसे फिसलाते हैं फिर तीसरा फिर उसे फिसलाते हैं ऐसे बहुत भारी ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते आप उनको है ना बहुत भारी है रास्ते में कुछ गद्दे टूट गए उनकी रुई हवा में उड़ने लगी इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड फट-फट की आवाज होती थी भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन हार हैं। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेकर जा सकता है जब तक कि वो खुद जाना ना चाहे तो बाकी लोग तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक जगन्नाथ जी की इच्छा ना हो कोई इनको हिला भी नहीं सकता है अगर जगन्नाथ जी जा रहे हैं तो इसका निक इच्छा से जा रहे हैं जब भगवान सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी महाप्रभु देखकर जगन्नाथ जी को बोल रहे थे मणिमा 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 ये शब्द बोल रहे थे बोलिए मणिमा 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 ऐसे देख के बोलना है जगन्नाथ जी को ये नियम है जगन्नाथ जी को देख के क्या बोलना है मणिमा मणिमा उड़िया शब्द है ये इसका है कोई भी व्यक्ति को देख के जब खुशी होती है तो उसको ऐसे बोला जाता है, है? कोई भद्र व्यक्ति वीआईपी व्यक्ति होता है उसको देखकर स्वागत में ऐसे बोला जाता है उड़ीसा में मणिमा तो तब जब भगवान को सिंहासन से रथ तक तक ले जाया जा रहा था उस समय उड़ीसा के जो राजा थे उनका नाम था प्रताप रुद्र तो राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा है तू मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे झाड़ू लगा रहे थे कौन राजा तो जगन्नाथ जी के सामने हम लोग सब क्या है राजा हो या प्रजा सब क्या है हम लोग सब उनके सामने तुच्छ सेवक है उनके तो राजा जो थे झाड़ू लगा रहे थे राजा के मार्ग राजन मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया कई बार झाड़ू लगाते ही धूल उड़ जाता है सबके नाक में घुस जाता है तो प्रोसेस क्या है झाड़ू लगाना कि पहले जल छिड़कना चाहिए जल छिड़कने के बाद जब झाड़ू लगाएंगे तो धूल नहीं उड़ेगा है ना तो इसलिए पहला राजा क्या कर रहे थे कि पहले चंदन से सुगंधित जल से जल उसको छिड़कते थे पहले मार्ग पर और फिर उसको झाड़ू लगाते थे ताकि वो ना उड़े है ना वे राज सिंहासन के स्वामी थे किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे कोई थोड़ा बड़ा हो जाता तो हम झाड़ू लगाएंगे है? हमारा इमेज खराब हो जाएगा लोग क्या सोचेंगे है ना <coughs> वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए झाड़ू लगाकर भगवान की कृपा मिली राजा प्रताप रुद्र को और राजा प्रताप रुद्र जो थे वो इंद्र के अवतार है देवताओं के राजा इंद्र जब भगवान श्री कृष्ण जो है अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो सारे देवी देवता उनके अवतार में प्रकट हुए अवतार लेकर ब्रह्मा जी ने अवतार लिया किस रूप में हरिदास ठाकुर हनुमान जी किस रूप में थे बताइए मुरारी गुप्त के रूप में सारे सारे लोग आए थे चैतन्य महापुरु की लीला में भाग लेने के पूरा लिस्ट है है किताब है, गौर दीपिका है ना पूरी किताब जो कवि कर्णपुर ने लिखा है उसमें बताया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन व्यक्ति किसके अवतार थे सार्वभौम भट्टाचार्य किसके अवतार थे बृहस्पति के और नारद जी के अवतार कौन थे श्रीवास ठाकुर और बलराम जी की? नित्यानंद प्रभु है ना राधा रानी गदाधर पंडित शिव जी आए थे अद्विताचार्य हम्म अदो तो गणेश जी भी आए थे उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कहीं पे होगा जरूर सब आए थे जब शिव जी आए तो गणेश जी भी आए होंगे है ना पूरा फैमिली आया होगा ना तो थोड़े आएंगे सब सारे देवी देवता यहाँ तक कि गलोक से भी सारे लोग आए थे सारी गोपियाँ जसोदा जी आई थी सची माता के रूप में नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र के रूप में सारे पार्षद अष्ट सखी भी आई थी चंपक लता सखी तुंग विद्या ललिता सखी विशाखा सखी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर चंपकलता सत से, शिवानंद सेन तो इंद्र जो थे वो प्रताप रुद्र और उड़ीसा के राजा यहाँ के जो राजा थे वो इंद्र के अवतार थे उन्हीं के बारे में बता रहे वो क्या कर रहे थे झाड़ू लगा रहे थे जगन्नाथ जी के सब सेवक है ना सुरेंद्र आराध्य जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं कि सुरेंद्र देवताओं के राजा जगन्नाथ जी की आराधना और अभी भी आते हैं देवताओं के राजा जो हैं हैं इंद्र अभी भी आते दर्शन करें रात में दर्शन होता है देवताओं के लिए ग्यारह बजे के बाद वास्तव में जगन्नाथ जी सोते नहीं है वो दर्शन बंद हो जाता है लेकिन वो टाइम देवताओं के लिए होता है रात में देवता लोग का स्लॉट है उस समय हाँ और देवता लोग आएगा दर्शन करें एक बार इंद्र आए थे दर्शन करने उसकी लीला है स्वर्ग द्वार से आते हैं समुद्र के किनारे स्वर्ग द्वार है वहां से तो उन्होंने आनंद बाजार से प्रसाद खरीदा पैसा भी नहीं दिया तो जो व्यक्ति था वो पीछे पड़ गया उनके जाने लगे तो बोला कि पैसा दीजिए बोले नहीं पैसा नहीं है अभी पीछे पड़ गया बाद में जब वहां स्वर्ग द्वार पे गए तो वो इंद्र के रूप में प्रकट हो गए बोले देवताओं का राजा हूं मैं तो बोला कि तुम जब भी जो भी वरदान मांगना चाहो मांगो उसने बोला कि जब भी बोलू बारिश हो जाए है ना? तो अकाल पड़ गया था तो उसने बारिश कराया उड़ीसा में इंद्र को बोल के। जब भी उसका मूड होता था बारिश करा जाता था तो स्वर्ग द्वार से इंद्र फिर इंद्र बताइए हमारा एरिया है यहाँ से हम लोग आते हैं स्वर्ग द्वार से आके जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं फिर यहीं से वापस जाते हैं स्वर्ग फिर वहां पे स्वर्ग द्वार बनाया गया अभी उस घटना के बाद स्वर्ग द्वार वहां पे बनाया गया देवताओं के स्वागत के लिए है ना तो सोचिए कि साधारण मंदिर नहीं है ये देवता लोग ही यहाँ अटेंडेंस देने लगाते हैं आके हम लोग को पता नहीं रहता है कौन के रूप में जा रहा है दर्शन करने किसी को पता नहीं है इतनी भीड़ कहाँ से रहती है हाँ देवता लोग रूप धारण करके कुछ आज संडे भी है तो लेकिन देवता लोग रूप धारण करके मनुष्य के रूप धारण करके जाते हैं दर्शन करने के लिए भी तो बात है ना और आनंद बाजार से प्रसाद भी खरीदते हैं तो राजा प्रताप थे क्या कर रहे थे झाड़ू लगा रहे थे जगन्नाथ जी के इतने व्यक्ति हो के भी राजा की ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और पर्वत जितना ऊंचा था इस सजावट में चमकीले शीशे से तथा सैकड़ों चामर थे रथ के ऊपर स्व छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था रथ को रेशमी वस्त्र तथा विभिन्न चित्रों से सजाया गया था अनेक पीतल के घंटे घड़ियाल तथा घुघरू बज रहे थे जगन्नाथ जी का रथ बढ़िया सजाना चाहिए है ना? इससे पता से स्ट्रेटी ले सकते हैं कैसे रथ सजाना चाहिए? भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम अन्य दो रथों पर चढ़ गए भगवान पंद्रह दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु तो अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए <coughs> सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना के तट के समान लग रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय यहाँ पे ये सब दुकान दोनों तरफ नहीं था रोड की और रोड जो था उसके दोनों तरफ बालू के रेत था जिसको भगवान जब देखते थे तो उनको क्या लगता था जमुना के तट पे आ गए हैं कहाँ आ गए भगवान जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें जमुना के तट पे आ गया है नहीं? और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचे जैसे लग रहे थे तो भगवान को कैसे चारों तरफ इसका मतलब उस समय क्या होगा बगीचा भी होगा अभी तो नहीं है बगीचा अभी क्या है दुकान ही दुकान है। दुकान दुकान ही है हर जगह केवल उस समय बगीचा था दोनों तरफ बालू के कण थे और समुद्र दिखाई देता था सीधे समुद्र यहाँ से दिखाई देगा दूर थोड़ी दूर <laughs> जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्हें दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया गौड़ सब रथ करिया आनंद छड़े शीघ्र चले रथ छड़े चले मंद रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अत्यंत आनंद से खींच रहे थे किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था कभी रथ तेजी से भागने लगता कभी धीरे धीरे खींचने वाले तो बल लगा रहे थे बराबर कभी रथ स्थिर हो जाता अपने आप रुक जाता कितना भी खिंच अब नहीं हिलेंगे और भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों ना जा खींचा जाता वह टस से मस नहीं होता अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं चल रहा था जब भगवान इच्छा करते थे तो अब नहीं जाएंगे अभी रुक जाओ अभी थोड़ा कीर्तन देखना है रुक जाता था रथ तभी महाप्रभु सब लैया भक्त गण सबे माल्य मंदन उसी समय से, से जितना महाप्रु आ गए और अपने हाथों से भक्तों को इतने भक्त ले आए थे सबको माला और चंदन लगाया अद्वैताचार्य यार प्रभु नित्यानंद श्री हस्त स्पर से दुहार हिलयनंद अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों को अपने हाथों से स्पर्श किया चंदन लगाया दोनों आनंद में खुश हो गए महाप्रभु अपने हाथों से माला पहना रहे हैं सबको। है? चंदन लगा रहे हैं कीर्तनिया गणे दिल माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य दुई जन महाप्रभु ने संकीर्तन करने वाले लोगों को क्या दिया वहां पर उन्हें संकीर्तन करने वालों को भी माला तथा चंदन दिया जो संकीर्तन गाएंगे तो दो मुख्य कीर्तनिया थे जो लीडिंग सिंगर जो आगे से कीर्तन करते थे गाते थे पीछे से बाकी लोग दोहराते थे पहले सी कीर्तनिया थे स्वरूप दामोदर और दूसरे श्रीवास ठाकुर गाने में बहुत एक्सपर्ट <coughs> कीर्तन करने वालों को चार टोलियों में बांट दिया गया चार ग्रुप बनाए गए कीर्तन के कितने? चार ग्रुप, और कुल थे, हर ग्रुप में छे छे प्रत्येक टोली में दो दो मृदंग बजाने वाले और आठ अतिरिक्त व्यक्ति हो गए जब चार टोली बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन महाप्रभु ने को बांट दिया हर टोली में कीर्तनिया गाने वाला तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर और बकरेश्वर पंडित ये चारों टोलियों में जाकर इन क्या करेंगे डांस करेंगे इनको डांसिंग लीडर बनाया गया एक आदमी आगे से लीडर होगा जो डांस करेगा कीर्तन पूरा ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए अब वो जो जो स्टेप लेता है पीछे वाले लोग क्या करेंगे सब उस उसको फॉलो करेंगे तो सबसे आगे डांसिंग लीडर कौन थे नित्यानंद प्रभु कोई छोटे मोटे लोग आज का हमारे थोड़ा सा सीनियर हो जाता हम डांस करेंगे हम किनारे से बैठ के तमाशा देखेंगे सबको डांस करना चाहिए कि नहीं नहीं तो मोटे हो जाएंगे सब है कि नहीं सब डांस करना चाहिए हमारे धनंजय जगन्नाथ प्रभु में वो इतना मोटा हो गया पता नहीं डांस करता है उसके बावजूद मोटा हो गया। हाँ। दूसरे में स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया और उन्हें पांच सहायक दिए गए डांस करने वाले तो आ गए चार ग्रुप में के, और गाने वाला भी एक लीडर होना चाहिए और उसके पीछे पांच लोग थे जो क्या करते थे पीछे से गाते थे वो लोग भी गाने में एक्सपर्ट होते हैं जो पीछे से गाते नहीं कोई मैं देखता हूँ हम गाते हैं तो पीछे से जिसको गाना नहीं आते तो वही कान में ही सबसे ज्यादा जोर से वही बोलता है और जो मेन आदमी गा रहा होता है वही अपना राग लय भूल जाता है मैं क्या गा रहा था ना तो मेन गाने वाले के पीछे बगल में जो होने चाहिए वो वो लो लोग गाने वाले होने चाहिए जो थोड़ा समझ सके राग को भाव को तो ऐसे लोग होने चाहिए बगल में अब बाकी लोग गाए दूर से थोड़ा गाइए अपना राग अलापिए जो भी अलापना है आपको हाँ मैं कुछ दिन पहले वहाँ गाजियाबाद मंदिर में गया था अब बगल में कान पर इतना जोर से आओ पता नहीं कौन अपनी ही धुनी में गा रहा है मैं उनको बोल रहा हूँ थोड़ा दूर हो जाइए प्रभु वो तो बार बने कान पर ही एकदम जोर से गाए वो दिखाना चाहता है कि मैं भी गा सकता हूँ उनको तो। ये तो कीर्तन करने का एक तरीका होता है तो वो सिस्टम बताया जा रहा है यार। है ना मैं कीर्तन सब कर सकते हैं लेकिन थोड़ा दूर होके करिए अगर अगर आपको गाने नहीं आता है तो थोड़ा दूर से पहले ध्यान से सुनिए फिर गाइए है पांच सहायक दिए गए स्वरूप दामोदर को जो उनके कीर्तन को पीछे से दोहराते थे फिर जो पांच जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे उनके नाम थे दामोदर पंडित नारायण गोविंद राघव पंडित गोविंदानंद ये सारे भक्तों के नाम ये सब गायक थे फिर अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला हम्म स्वरूप दामोदर गायक थे डांस डांसित और पांच सहायक संगर श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले पांच गायक थे गंगादास हरिदास श्रीमान तो हरिदास दूसरे टोली में सिंगर और पांच उनको फॉलो करने के लिए ऐसे बनाने का फिर तीसरे में वासुदेव गोपीनाथ तथा मुरारी थे ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद पर, मुकुंद प्रधान गायक थे श्रीकांत और बल्लभ सेन नामक दो अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैयों के साथ को लिए इस टोली के नर्तक थे हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर इसमें नाच रहे थे डांस दान्स, लीडिंग डांसर सो लीडिंग सिंगर लीडिंग डांसर ये दो होने चाहिए और फिर पीछे से फॉलो करने वाले सिंगर और फॉलो करने वाले डांसर और मृदंग बजाने वाले दो दो हर टोली में और बाकी करताल बजाने वाले <coughs> महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए इस टोली में छोटा हरिदास विष्णुदास तथा राघव पीछे से दोहराने वाले हुए थे माधव घोष तथा वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हो गए और बकरेश्वर पंडित इस टोली में नाचने वाले थे बकरेश्वर पंडित जो थे वो जब नाचते थे तो बहत्तर घंटे लगातार नाचते थे ना तो कोई बहत्तर घंटे लगातार नाच सकता है ये तो केवल बकरेश्वर पंडित ही कर सकते हैं बहत्तर घंटे बिना खाए बिना पिए कैसे कोई नाचेगा लगातार तीन दिन तीन रात है बहत्तर घंटे लेकिन वो ऐसे थे कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनीय टोली थी जिसमें रामानंद तथा सत्य रूप में नियुक्त किए गए एक टोली कुलीन गांव की एक शांतिपुर गांव की और एक श्रीखंड की एक गांव शांतिपुर तो नौदीप के बगल में है कुलीन ग्राम भी है और श्रीखंड गए हैं आप लोग श्रीखंड नहीं गए हैं कभी जा सकते हैं तो तीन गांवों से भी टोली बनी कुल सात टोली हो गई चार और प्लस तीन कितना सात कीर्तन मंडली तो चार जो है रथ के आगे कीर्तन कर रही थी चार टोली और एक जो है रथ के राइट साइड में और एक रथ के लेफ्ट साइड में और एक रथ के पीछे तो टोटल टो टो कितना हो गया सात मंडली कीर्तन कर रही है एक साथ एक साथ सात मंडली कुल मिलाकर सात कीर्तन टोलियां थी और प्रत्येक टोली में दो व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे चौदह मृदंग बज रहे थे इस प्रकार एक साथ चौदह ढोल बज रहे थे इनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए वैष्णवीर मेघ घट नेत्र सब से जल बहने लगा इतना कीर्तन में आनंद आ रहा था कि आंखों से क्या बहने लगा जल अश्रु बहने लगे सब कीर्तन में नाचते नाचते ऐसे नाचना है कल में देख रहा था भक्त लोग काफी अच्छे से नाच रहे थे में है ना बहुत आनंद आता है ना नाचने में यस yes. क्या आनंद है के संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु तो देखो झारखंड के जंगल से जब जा रहे थे तो भालू शेर भी नाचने लगे <laughs> हाथी शेर सब आ गए और सब नाच रहे कीर्तन में हम लोग जो है नहीं नाचते हैं कई बार हमसे क्योंकि हमारा हृदय भालू शेर से भी ज्यादा पत्थर जैसा हो जाता है लेकिन जिसको हृदय कोमल होता हो वो तुरंत नाचेगा बच्चा छोटा बच्चा भी आप देखिए तुरंत नाचना शुरू कर देता है है कि नहीं तुरंत ना मैं एक भक्त में देखा था वो बार बार अपने पापा की गोद से उतर के भाग रहा था और तो, मेरे पास वो बोल रहे थे प्रभु जी से बात करो वो नहीं बात कर रहा था मुझसे भाग रहा था रो रहा था और जैसे ही नीचे उतरा तुरंत भागा कीर्तन में छोटा बच्चा था मतलब कि छोटे बच्चे को भी कीर्तन आकर्षक लगता है उसको कोई फिलोसफी नहीं पता है लेकिन हरिनाम का ज्ञान सबको है सारी जीवात्मा को है त्रिभुवन भरी उठे कीर्तने ध्वनि अन्य ध्वनि न सुनी सात बोले प्रभु हरि हरि बोल जय जय जगन्नाथ बोले हस्त जुगतुली दोनों हाथ उठाकर और बोले जय जगन्नाथ हरि हरि ऐसे चेतन महाप्रभु सातुक पार्टी में जा जाकर चेतन महाप्रु सातु पार्टी में घूम रहे थे फेरी लगा रहे थे हर जगह जाकर चेतन महाप्रु हरी 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 मतलब सबको सबको उत्तेजित कर रहे थे उत्साहित कर रहे थे कि भाई थोड़ा जोश से करो कीर्तन है ना एक शक्ति प्रभु करिला प्रकाश एक काले सात ठाई करिला तो पहले तो महाप्रभु एक मंडली में जाते थे फिर उधर से दूसरी मंडली में फिर तीसरी मंडली फिर महाप्रभु को लगा कि एक साथ सातों मंडली में नाचना है तो सात रूप धारण कर लिया एक साथ महाप्रभु कितना रूप सात रूप धारण कर लिया और एक साथ सातों मंडली में नाच रहे थे नहीं? भगवान है ना तो कितने रूप धारण कर सकते हैं और हर मंडली में नाच रहे हैं सारे भक्त सोच रहे देखो महाप्रु हमारे ही मंडली में है उधर वाले को पसंद नहीं है महाप्रु तो हमारी मंडली में नाच रहे हैं उनको नहीं पता था कि सात रूप धारण कर रखा है केवल दो तीन लोगों को दिख रहे थे सातों रूप सब कहे प्रभु आछेन मोर संप्रदाय अन्य ठाई नहीं जाए आमारे दया सब कहते प्रभु मेरे ही संप्रदाय में है दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पे विशेष दया है केह लखिते नारे प्रभु रिंत शक्ति कहने के हो केहो नारे किसी को दिखाई नहीं दे रहा था प्रभु की अचिंत शक्ति जो लीला कर रहे थे सात रूप धारण करके किसी को नहीं आ था अंतरंग भक्त जाने जा रुद भक्ति जो अंतरंग भक्त थे जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति थी महाप्रभु के प्रति वो उनको पता चल रहा था कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षिता संकीर्तन देखे रथ कीर्तन को देखकर जगन्नाथ जी हर्षित हैं बहुत प्रसन्न है संकीर्तन देखने में रथ चलता था तो डिस्टरबेंस होता था तो रोक दिए रथ को है रुक जाओ अभी देखने तो कीर्तन रथ रुक गया प्रताप रुद्र हैल परम विस्मय देखिते विवश राजा हैल प्रेम राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए क्योंकि ऐसा संकीर्तन पहली बार हो रहा था रथ यात्रा में दिया, राजा राजा प्रताप दिखाई दिया कि महाप्रभु सात रूप धारण कर चुके हैं राजा प्रताप रुद्र को क्यों दिखाया बताइए क्योंकि उन्होंने झाड़ू लगाया राजा होकर भी क्या लगा रहे थे झाड़ू इसलिए महाप्रभु बहुत खुश थे उनको भी दिखाया देखो मैं सात रूपों में हूँ राजा तथा सार्वभम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे किंतु तो चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था केवल दो लोग देख पा रहे थे एक और एक और महाराज प्रताप रुद्र उन्हें केवल वही समझ सकता है जिन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मा आदि देवता गण तक नहीं समझ सकते श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को कुमार की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे राजा ने इसी दीनता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त की, की। अतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को देख सकते थे यद्यपि राजा को मिलने के लिए मना कर दिया गया था किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतुक कृपा प्रदान की गई थी भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता सक समझ सकता है, तो बहुत बार राजा प्रताप जो है जब उनके गुरुजी ने बताया कि चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है तो राजा के मन में बहुत इच्छा थी कि साक्षात भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं और मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया एक बार जाके पर्सनली मिलना चाहता हूँ तो नाना प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजवाया चैतन्य महाप्रभु के पास कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया बोले मैं राजा राजा से नहीं मिल सकता लोग पॉलिटिशियन होता है उससे मिलने से मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी है ना चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया सन्यासी को राजा से क्या मतलब है तो मान, कहीं नहीं मिले मना कर दिए लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कि राजा तो है ये लेकिन बहुत विनम्र राजा है झाड़ू लगाता है तो बोले ये तो बढ़िया राजा है ये इसको दर्शन देना चाहिए कृपा करनी चाहिए देखिए राजा प्रताप रुद्र इतनी बार रिक्वेस्ट भेजे वहां पर नहीं मिली कि इस बार कृपा करी थी क्यूं? क्यों क्योंकि उन्होंने सेवा किया झाड़ू लगाने की सेवा किया अहंकार तो से भगवान को हम नहीं देख सकते भगवान को हम देख सकते हैं भक्ति से प्रेम से सेवा भाव से जब सार्वम भट्टाचार्य तथा तो काशी मिश्र महोदय ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहितु की कृपा देखी वे तो चकित रह गए वो भी चकित रह गए बाकी भक्त भी की देखो भले तो मिल ही नहीं रहे थे इनसे अब जो सीधे इतना बड़ी कृपा कर दी महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लाइन इसी प्रकार से की चैतन्य महाप्रभु स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित किया इसलिए मैं जब, जब संकीर्तन में जब, जब कई बार मैं कीर्तन करता हूँ तो मैं भक्त लोग नाचते ही नहीं है इसमें बोलता हूँ पैर हिलाओ पैर हिलाते नहीं है सब देर दो, दो मिनट हिलाएंगे फिर फिर जब मैं उधर ध्यान दे तो फिर से हिलाएंगे दिखाने के लिए खुश करने के लिए फिर पत्थर की जैसे जड़वत हो जाती अरे थोड़ा बहुत हिलते रहना चाहिए महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भी भूल गए किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति ने उनके मनोभावों को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी <coughs> पूर्वे जय लीला कैल वृंदावने अलौकी कलीला गौर कैले छणे छे जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ यात्रा के रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुमति कर सकते थे अन्य लोग इसे नहीं समझ सके भगवान से कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आभ्लावित कर दिया इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को रथ के सामने नाचने के लिए प्रोत्साहित किया आप कृपा करके वह वृतांत सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ कुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे कीर्तन प्रभु करोग उद्योगे लक्त गण महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया जब महाप्रभु का मन नाचने को हुआ तो सात तोलियों को आकर मिल गई श्रीवास रमाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव तथा तो गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठे हो गए जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ जंप करने का ऊंचा कूद के नृत्य करना तो उन्होंने इन नौ लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया ये भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे महाप्रभु दौड़ दौड़ के नाच रहे थे अन्य भक्तों के समूह भी गा रहे थे महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की जगन्नाथ जी को ऐसे देखकर ऐसे दोनों हाथ जोड़कर है ना नमस्कार करते हुए और ऐसे मुंह ऐसे उठाकर ना उत्कंठा इसको बोलते हैं और आंखों से जगन्नाथ जी के रूप का को देखते हुए ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं से स्तुति कर रहे हैं हैं? ऐसे दर्शन करते हुए बड़ो भाव में प्रेम में आंखों में अश्रु थे और प्रार्थना कर रहे थे क्या प्रार्थना कर रहे थे चार श्लोक चार श्लोक गाया महाप्रभु ने हम्म पहला श्लोक है बोलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये पहला श्लोक है जब जगन्नाथ जी को सामने जाए तो ये श्लोक पढ़ना चाहिए महाप्रभु के आचरण को देखते हुए जयति जयति देवो देवकी देवकीनन्दनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयति जयति मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वीभारनासो मुकुन्द जयति जननिवासो देवकी देवकीजन्मवादो जदुवरपरिषत्वर्भिश्य धर्म स्थिरचर सुस्मित श्री मुखे न्रजपुर वनता वर्धयन चार श्लोक नहम विप्रो न चरपतिर्ना पिबैशो न शूद्रो च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रद्यन् अखिल परमानन्दपूर्णामृताब्दे करिला दासदासानुदास जोड हाथे भक्त गणे बंदे भगवान। शास्त्र के श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की सारे भक्त भी हाथ जोड़कर वंदना इन श्लोकों को ध्यान करके वंदना कर रहे थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए चक्र की तरह चक्र लगाते ऊंचा उछल छल कर नाच रहे थे तब वे घूमते हुए अग्निपुंज की तरह लग रहे थे ऐसे नाच रहे थे घूम घूम कर नाचते समय महाप्रभु जहां कहीं भी चरण रखते थे पूरी धरती परतु तथा तो समुद्रों समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी महाप्रभु जब नाचते थे तो धरती क्या कर रही थी हिल रही थी जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे कभी ऐसा लगता मानो वे जड़ हो गए हों कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते कभी उन्हें पसीना आ जाता कभी वे रोने लगते कभी कांपने लगते कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता कभी उनके शरीर में व्यवस्था गर्व हर्ष और दैनिक के लक्षण प्रकट हो आते जब से चैतन्य महापुर नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो वे भूमि पर लौटने लगते उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सोने का पर्वत भूमि पर लौट रहा हो यह देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते वो गिर जाते थे ना जोर से ऊपर उछलते थे धड़ाम जाते आप लोग मत करना ऐसे इसे तो हाथ पे टूट जाएगा नकल नहीं करना चाहिए है? कई बार भक्त लोग मैं देखता हूँ नकल करते हैं बहुत ज्यादा अगर उछल गए और पैर टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा नाचना चाहिए इतना भी नहीं कि हाथ पर टूट जाए अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे-पीछे चलते और बार-बार जोर-जोर से हरि बोल हरि बोल का उच्चारण करते भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने तीन सर्कल बना लिए पहले वृत्तुल का निर्देशन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे जो साक्षात बलराम अत, अर्थात महान शक्ति के स्वामी हैं काशीश्वर तथा गोविंद आदि सारे भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के महाप्रभु के चारों ओर दूसरा वृत्त बना दिया और महाराज प्रताप रुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वृत्त वर्तुल के चारों ओर एक तीसरा बना लिया जिससे भीड़ अधिक निकट ना आ सके <ohen> हरिचंदन ने कंधे पर अपना हाथ रखकर राजा प्रताप रुद्र हरिचंदन के कंधे पर अपना हाथ रखकर राजा प्रताप रुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सके और इससे वे अत्यधिक भाव आविष्ट हो गए महाराज प्रताप रुद्र भी नृत्य देख रहे थे महाप्रभु का हरिचंदन के ऐसे उनके सेक्रेटरी था उनके कंधे पे से हाथ रखकर नृत्य देख रहे थे जब राजा नाच देख रहे थे तब उनके आगे खड़े थे श्रीवास ठाकुर राजा प्रताप रुद्र के आगे श्रीवास ठाकुर खड़े थे और श्री श्रीवास ठाकुर ने ही महाप्रभु को नाचते देखा वे भाव आविष्ट हो गए श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया बार बार आगे आ जा रहे थे राजा के तो हरिचंदन ने बोला थोड़ा साइड हट जाइए भी आई पी पीछे है महाराज नाच देख रहे हैं आप बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हो एक बार किया दो बार किया खिलाया श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर यह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और धकेला जा रहा है तो पीछे से धकेल रहे थे ऐसे ही बार बार कौन हरिचंदन जब उन्हें बार बार धकेला गया तो श्रीवाज ठाकुर नाराज हो गए श्रीवाज ठाकुर ने हरिचंदन को पीछे मुड़ के एक झापड़ मारा ताकि वह उन्हें धकेलना बंद करे इससे हरिचंदन नाराज हो गया श्रीवास ठाकुर गुस्सा गया कि बार बार बीच में कोई जब कर रहा हो और कोई बीच बीच में आगे धकेले उसको गुस्सा नहीं आएगा तो उनको डिस्टरबेंस हो रहा था ना ध्यान लगा रहे थे तब तो तक तो तो पीछे से क्रुद हैया तारे कि छू चाहे कहीं बली बारे अपनी प्रताप निवारी लतारे जब क्रुद हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था हरिचंदन भी गुस्सा हो गया कि ऐसे कैसे मार दिया झपड़ उनको हम राजा के सेक्रेटरी हैं तो, तो प्रताप रुद्र ने उसको रोक दिया किसको हरिचंदन को नहीं नहीं कुछ बोलो मत राजा प्रताप रुद्र ने कहा भाग्यवान भाग्यवानी हार बोला अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है इनका हाथ पड़ा तेरे ऊपर मेरा इतना सौभाग्य नहीं है काश हाथ मेरे ऊपर पड़ता है तो मेरा जीवन सफल हो जाता है राजा प्रताप रुद्र बोल रहे है। है? तुम्हें इनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा थैंक यू बोलो क्योंकि नारद जी है ना श्रीवास ठाकुर कौन है नारद जी बहुत महान संत उनके अवतार है वो किसी को थप्पड़ भी मारते हैं तो वो बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है है ना श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था यहां तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए ऐसा नाचिए कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाए उनका रथ पूर्णतः स्थिर हो गया और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नाच देखते रहे तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदय में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ निस्संदेह में नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे ऊंचे उछल रहे थे तब उनके शरीर में आठ प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो आए ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट निकले हो उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए और उन्होंने यहां तक ही सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे टूट के श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त 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 भी गिर रहा था शरीर से वे भाव आवेश में ज ज ग की रुधि आवाज निकाल रहे थे महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो जल यंत्र धारा जाला आसपास आंखों से ऐसे जनरल हम लोग रोते हैं तो ऐसे आंसू गिरता है ना लुढ़कता है महाप्रभु जो रो रहे थे तो सामने आंसू ऐसे पिचकारी की तरह निकल रहा था और जो भी खड़े होते थे सामने सब भींग गए आंसू से सभी लोगों ने देखा कि महाप्रभु का शरीर का रंग गोरे गुलाबी हो गया गोरे से गुलाबी रंग चेंज हो गया कौन सा रंग हो गया गुलाबी के रंग का हो गया जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका के फूल जैसी लग रही थी कभी वे स्तंभित जान पड़ते कभी जमीन पर लौटने लगते कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे कड़े हो जाते जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक से जाती जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी छीण हो गए कभी उनकी आंखों से पानी बहता कभी नासिका से उनके मुख से फेन गिरता ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हों। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया क्योंकि वह महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का स्वादन करने में पटु था कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हो गया तांडव नृत्य छाड़ी दिला जानिया स्वरूप गाइते लागीला नचना छोड़ दिया महाप्रभु ने और स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दिया उनके मन की बात समझकर समुद्र स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे स्वरूप दामोदर अब गाएंगे जानना चाहते हैं नाथ पाई मदना, दहने झुर ग इसका अर्थ है कि अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं जिनके बिना मैं काम द्वारा दग्ध हो रही थी और सुखी जा रही थी ऐसे अर्थ है इसका कि कोई नायिका इसे गा रही है स्त्री गा रही है न? कि अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं तो राधा रानी का भाव है ये किसका राधा रानी पे कुरुक्षेत्र में सौ साल के विरह के बाद जब भगवान जो है कुरुक्षेत्र आए द्वारका से और तो जब वृंदावन वासियों को पता चला राधा रानी गोपियां जसोदा मैया नंद बाबा कि कृष्ण कहाँ आ रहे हैं पूरी क्षेत्र में हैं। तो उन लोगों ने सोचा यही मौका है हम लोग जाकर वहीं पे कृष्ण से मिलेंगे तो लगभग सौ वर्षों के विरह के बाद राधा रानी जब वहां पहुंची और कृष्ण से उनका मिलन हुआ है तो कृष्ण को सोचिए सौ सो साल के बाद देख रही है आपको सुबह बता रहा था कि एक पलक तक अगर नहीं देखते थे तो कितना बिरह होता था और सौ साल का भी योग हम्म तो कितना मतलब व्याकुलता होगी आप सोचिए और फिर सौ साल के बिरह के बाद फिर से दर्शन होना मिलने पर जो भाव प्रकट हो रहा रानी के वो क्या भाव थे वो यहाँ गा रहे हैं में मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सुखी जा रही थी तो कुरुक्षेत्र में जो तो भाव प्रकट हुआ वही भाव गा रहे हैं धुया उचे स्वरे गाय आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर इसी धुया को बार बार गा रहे थे कौन स्वरूप दामोदर चेतन महाप्रभु क्या कर रहे थे नृत्य कर रहे थे तो मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि आपको भी अभी जाना है समुद्र स्नान के लिए है ना तो मैं यहीं विराम दूंगा हरे कृष्णा और आगे का जो है इसको प्रसंग कल बताएंगे अभी समाप्त नहीं हुआ अभी आधा हुआ है और बाकी आधा जो प्रसंग है वो कल बताया जाएगा चैतन्य महापुरु रथ यात्रा में राधा रानी का क्या भाव था राधा रानी की प्रेम की कितनी महिमा थी ब्रजवासियों का प्रेम कितना महान है कि कृष्ण भी उसके लिए रोते हैं कृष्ण और ब्रजवासी जो भक्त हैं इनका आपस का प्रेम कितना घनिष्ठ है उसको जा, जानने का कल प्रयास करेंगे है ना ओके हरे कृष्ण थैंक यू हरे बोल